हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज राइट ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो हम क्या करेंगे, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने के लिए 0.2870 ये डेसिमल के पहले का जो नंबर होता है कौन सा होता है, होल पार्ट होता है, और डेसिमल के बाद का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो जो इसका डेसिमल पार्ट है वो 87 है, जबकि इसका डेसिमल पार्ट क्या है, 87.0। तो मैंने क्या बताया था, 87 के बाद अगर हम इसमें भी 0 लगा सकते हैं, इसमें भी 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 87 है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 87 है, तो ये तो करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, जबकि यहाँ क्या लगा हुआ है, 0। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो दोनों तब भी इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2 है। अब ये डेसिमल के बाद 15 है, जबकि डेसिमल के बाद 0 आया है, फिर 15 आया है, तो डेसिमल के बाद अगर 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 है, जबकि डेसिमल के बाद क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ डेसिमल के बाद 37 है, यहाँ डेसिमल के बाद 0 है, और यहाँ होल पार्ट कितना है, 0, जबकि यहाँ होल पार्ट 37 है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर 5.57 है, जबकि 5.057 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 5 है, जबकि डेसिमल के बाद यहाँ 0 है। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन इनकी है। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं ये समझिए आप। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डेसिमल की जो बात, जो डेसिमल पार्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके डिजिट इक्वल होना चाहिए। नंबर से हमको मतलब नहीं है कि नंबर कौन कौन से है, बट उनके डिजिट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 1, 2, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब इनके डेसिमल पार्ट के डिजिट इक्वल है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अनलाइक है, अब चेक करते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो ये कैसा है, अनलाइक फ्रैक्शन है, उनका डिजिट इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्योंकि सही बोल रहे हैं वो कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो ये 2 फॉल्स वाला आपका जो था क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आते हैं राइट द नंबर्स नेम, आपको नंबर्स नेम राइट करने हैं, कैसे राइट करेंगे हम नंबर्स नेम, नंबर्स नेम राइट करने के लिए आपका जो क्वेश्चन है, डेसिमल के नंबर्स नेम डिफरेंट टाइप्स राइट किए जाते हैं, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 नंबर्स नेम राइट करने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डेसिमल, तो इसको आप क्या बोलेंगे, पॉइंट,
क्या बोलोगे वन। अब इसके बाद में अगर हमको लिखना है तो डिजिट अलग अलग लिखेंगे। इसको 75 में लिखते हुए आप क्या लिखेंगे 0.75। क्या लिखोगे आप 0.75। ओके, इस टाइप से आपको उसको राइट करना है। मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अब इसमें होल पार्ट आप लिखेंगे पहले 100। क्या लिखोगे इसको आप 100। फिर क्या लिखोगे पॉइंट, जीरो लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे जीरो। फिर क्या लिखा वन, मतलब ये डिजिट अलग अलग है। इस टाइप से आपको ठीक, जैसे थर्ड है वो आपको करना है, ओरली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। थर्ड है तो आप उसको क्या लिखोगे 0.2153। फोर्थ है तो उसको आप क्या राइट करेंगे 2.031। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट इन डेसिमल फॉर्म। आपको इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे राइट करते हैं आप देखिए, डेसिमल फॉर्म में मैंने राइट करना सिखाया भी आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5/1000 कैसे राइट करेंगे देखिए आप इसको। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसका कंसेप्ट को बताया था 10, 100, 1000 कि अगर 1000 से कर रहे हैं तो कितने डिजिट, कितने जीरो, 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो कितना हो जाएगा देखो, 5 तो ऑलरेडी है ही, 2 डिजिट बनाने के लिए हमने जीरो लगा दी या डेसिमल लगा दिया, डेसिमल अकेला नहीं लगता है तो 0.005। ठीक है, तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बहुत सिंपल है। अब इसमें 10 है, मतलब 1 कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो कितने डिजिट बार डेसिमल लगेगा, 12.8, मतलब पीछे से हमने 8 डिजिट गिन दिया। इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ आपको करना है, मैं फिफ्थ बता रही हूं। 800+7 10+3 10, अब इसको कैसे राइट करेंगे देखिए। तो आपकी जो एक्सरसाइज थी 7.4 ये कंप्लीट हो गई है। इसके जितने भी रिमेनिंग सम है वो आपको करना है, जो मैंने नहीं करवाए, फिर उसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.5 एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक्स।